लक्के से दाने तो बाद हुन दीप सिद्धू दी वापसी से वो अपडेट हो सकती है? नहीं नहीं कारण जी नहीं जीत दी आस कदों तक 100% राजीवाल साहब कदों तक कदों तक राजीवाल साहब कोरोना नु लेके पंजाब सरकार ने गाइडलाइन साइन की जारी कीते ने रैलियां ते पाबंदी लाई गई लेकिन तुसी रैली कर रहे हो कोरोना दीयां जिहड़ियां आदतां ओह भी नहीं मनियां गईयां चर्चा होंगी है हम सारे जान गए कल अगे फैलेगी पिंड खुंड प्रचार होगा अपडेट होंगे फायदा होंगे बिल्कुल बीबियां साढ़े समाज का एक अहम हिस्सा ने बराबर की वसू है उन्होंने जे घर औरत जी साथ दे इस अंदोलन के आदमी जोड़ा वह भी इन सीरीयसली लेगा लक्के सधाने तो बाद हम दीप सिद्धू की वापसी से वो अपडेट हो सकती नहीं नहीं कारण जी नहीं ये सारे दसने जरूरी नहीं नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिता है कि किसान आगुआ असी गलबात करने तैयार हाँ तो की कहना चाहते तोमर साहब जिदन मर्जी बुला गलबात असं जावे वो हाले सिर्फ एवे सरकार ने देखना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਚੜਪਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ 17 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ ਸਭ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਬਹੁਤ मैं क्या भी तकलीफ होंगी है ये भी सानू सोचना पड़ेगा भाजपा की पॉलिसी कम्यूनल डिवीजन करके राजभाग इतने आना है राजभाग सब कुछ नहीं होंगे लोग सब कुछ होंगे 17 की मीटिंग केड़ा केड़ा एजेंडा एलाना जाए विचार जाएगा अगला नैक्सट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा देखो जी सरकार जी गल सूट कर दी कर दें हम बंगाल चोणा हो रही कोरोना कुछ नहीं कहता जो सरकार ने कोई प्रोग्राम करना हो कुछ नहीं कहता रात को सरकार करफ्यू ला दी है रात को कोरोने तो डरते हैं दिन वो नहीं डरते दिन खुला छड़ते हैं सब चाहते हो केवल महाराष्ट्र ते पंजाब की कोरोना नजर आ रहे नहीं है बीमारी भी है ये कोई दो राय नहीं तो चौकस रहना चाहिए पर एडी भी नहीं जिन्ना तो लोगों को डराया जा रहा है लोगों को अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करने वास्ते इदा की खुराक इदा का ध्यान करना चाहिए जिद एक तो यह चंगा पहलू यह भी है साढ़े लोग बहुत जी सख्त मेहनत करते हैं ये उन्होंने इम्यूनिटी जी इंप्रूव होंगी इस करके भी इतने घट बीमारी है जी जित 100% देखो अफसोस है मसले का हल लभण की बजाय उलझाउण वास्ते कोशिशां करदे ने लोकां च पिंडां च जान बुझ के जिन्नियां घटनावां होईयां प्रवोक करन नाल होईयां इन्होंने आप प्रवोक किया लोगों को बिच कोई गर्म सुभा का होंगे कोई बिच ऐसा भी है जोड़ा किसान विरोधी भी कोई होएगा उन्हें छेड़छाड़ करके करता पर यह तो जिम्मेवार लोग ने यह अपने जिम्मेवारी का एहसास असल देखो असी तो प्रोटेस्ट करना सी अपना कंप्लीटली सक्सैसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करता ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ
छोटे सवाल तो पहले मैं दस दें, ये सारी खेड है सरकार आ मंडी नू तोड़ना चाहती है, कारपोरेट एग्रीकल्चर को बदलना चाहती है, आने बहाने कदे कोई सर्कुलर जारी करता, कदे कोई हदायत करती है, वो जो पिछे भावना है वो मंडी तोड़न की होंगी है।